दस पैनल पी टाइप के होते हैं 5500 वाट। अगर हम उसके लैंड लॉसेस निकालें ना तो उसके 25 से 30% लैंड लॉसेस निकलते, जिसमें आपका ये आ जाता तकरीबन 4400-4500 वाट। और इसी में अगर जिनको एंड टाइप भाई फिशल या मोनोफिशल लगाते ना तो इनमें 15% लैंड लॉसेस है, जिससे उन्होंने खुद एशिया के जो ममालिक है ना, जैसे बांग्लादेश आते, अफगानिस्तान आते, जितने छोटे छोटे कंट्री जो आ रहे हैं ना, उनमें चाइनीज ने खुद ने रेट कम करके सोलर पैनल होता है 3000-3500, उसमें तकरीबन खर्चा आ जाता है, जिसमें 6 पैनल लगते हैं, इसमें एक इन्वर्टर लगता है, इसमें 2 ट्यूबलर बैटरी लगती है, 3 स्टैंड। जिनको फ्लेक्स टेक की ऐप डाउनलोड करेंगे, आप स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ आ जाएगी, उस पर इम्पोर्टर का नाम भी आ जाएगा, किस कंपनी के नाम से पैनल आया हुआ पाकिस्तान के अंदर। ये 3 किलोवाट का सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप है ना 2400 वाट आउटपुट ले सकते हैं, और उसके अंदर आप लोड चला सकते हैं, 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, 3-4 पंखे चला सकते हैं, 3-4 लाइटें चला सकते हैं, 1 LED TV चला सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे पास अभी जिनको एन टाइप पड़ा हुआ है, और जिनको एन टाइप बाईफिशल पड़ा हुआ है, और लॉन्जी आइमोसिस एक्स एंटी डस्ट पड़ा हुआ है हमारे पास, जो एंटी डस्ट आया ना आइमोसिस एक्स, वो भी पड़ा हुआ अभी। बाकी इसके अलावा हमारे कैनेडियन वगैरह होते हैं जो अभी है नहीं, अभी फिलहाल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है ना वो चल रहा है लॉन्जी आइमोसिस एक्स चल रहा है, और जिनको एन टाइप बाईफिशल चल रहा है, और जिनको मोनोफिशियल चल रहा है। अगर हम सिस्टम लगाते हैं ना तो जैसे हमने 10 पैनल लगाए तो 10 पैनल पी टाइप के होते हैं 5500 वाट। अगर हम उसके लैंड लॉसेस निकालें ना तो उसके 25 से 30% लैंड लॉसेस निकलते, जिसमें आपका ये आ जाता तकरीबन 4400-4500 वाट। और इसी में अगर जिनको एंड टाइप बाईफिशियल या मोनोफिशियल लगाते ना तो इनमें 15% लैंड लॉसेस है, जिसे अगर आप 10 पैनल लगाते तकरीबन 5850 यही कुछ होते या 5900 होते। अगर इसमें हम 10 से 15% लैंड लॉसेस निकालते तो ये 5500-5600 आती है, उसमें लैंड लॉसेस भी ज़्यादा है, उसके वोल्ट एम्पेयर में भी फ़र्क है, इसके भी वोल्ट एम्पेयर में फ़र्क है। अगर पी टाइप के आप पैनल लगाते हैं ना तो तकरीबन 3-4 हज़ार में फ़र्क आ जाता है एन टाइप के नस्बत 6 पैनल पे, या अंदाजन 3000-3500, उसमें तकरीबन खर्चा आ जाता है, जिसमें 6 पैनल लगते हैं, इसमें एक इन्वर्टर लगता है, इसमें 2 ट्यूबलर बैटरी लगती है, 3 स्टैंड, ये टोटल खर्चा आ जाता है तकरीबन 4-4.25 लाख रुपये आता है पी टाइप में। और एन टाइप में आ जाता है तकरीबन 4,30,000-4,35,000। ये 3 किलोवाट का सिस्टम होता है, जिसके अंदर आप है ना 2400 वाट आउटपुट ले सकते हैं, और उसके अंदर आप लोड चला सकते हैं, 1 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, 3-4 पंखे चला सकते हैं, 3-4 लाइटें चला सकते हैं, 1 LED TV चला सकते हैं। 130 रुपये पर वाट पैनल, हमने 66,000 रुपये का पैनल बेचा है हमने खुद ने भी। रेट इसीलिए नीचे आ गए, एक तो माल भी सबका ज़्यादा आ गया, और ऊपर से यूरोप ने परचेजिंग बंद कर दी चाइना से, तो चाइना ने क्या किया, खुद से अपने रेट गिरा दिए। और दूसरा, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है ना, वो रोज़ ना वही प्रोडक्शन होता है जो फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही होती है, तो इस वजह से उन्होंने खुद एशिया के जो ममालिक है ना, जैसे बांग्लादेश आते, अफगानिस्तान आते, जितने छोटे छोटे कंट्री जो आ रहे हैं ना, उनमें चाइनीज़ ने खुद ने रेट कम करके सोलर पैनल होता है, तो इसलिए उन्होंने खुद ने भी रेट कम किए, और ये माल भी बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसलिए रेट खुद कम हो गए नीचे ऑटोमेटिक। 2015 में फ्लेक्सिबल सोलर पैनल मैंने भी बेचे थे, मेरे पास छोटा सा स्टॉक आया था, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल आए हैं वो सिर्फ अभी पंजाब में, लेकिन वो सही नहीं है अभी, उसके तकरीबन 1.5-2 एम्पेयर है, और 1.5 वोल्ट है उसके, 1 से 1.5 वोल्ट है उसके, और 1 से 1.5 एम्पेयर है उसके, इतने ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल चार्जिंग वगैरह आप कर सकते हैं, छोटा सा 12 वोल्ट का LED बल्ब चला सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन इसको भी अभी तकरीबन 5 साल लगेंगे आते आते पाकिस्तान के अंदर। सर जिनको की जो पहचान है ना एक नंबर TR1 की, वो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, जिनको फ्लेक्स टेक की ऐप डाउनलोड करेंगे, आप स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ आ जाएगी, उस पर इम्पोर्टर का नाम भी आ जाएगा, किस कंपनी के नाम से पैनल आया हुआ पाकिस्तान के अंदर, मैन्युफैक्चर डेट आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएगी उसके अंदर। वो स्कैन होगा, अगर जो स्कैन नहीं होता तो वो 2 नंबर है, और जो स्कैन होगा वो 1 नंबर। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर TR1 पैनल है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे हम आपको, डुप्लीकेट कॉपी देंगे हम आपको। जिनको एंड टाइप बाईफिशियल भी दिखाते हैं, और जिनको मोनोफिशियल भी दिखाते हैं। लॉन्जी आइमोसिक्स अभी आपके सामने गाड़ी लगी हुई, उसमें अभी उतर रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अवेलेबल है, अभी उतर रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। जिनको एंड टाइप बाईफिशियल भी दिखाते हैं और मोनोफिशियल भी दिखाते हैं। ये जिनको पड़ा हुआ मोनोफिशियल पड़ा हुआ, सिंगल गिलास है, 1 रेट TR1 है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है, 15 साल वारंटी है इसकी, 30 साल लाइफ है। बाईफिशियल और मोनोफिशियल में ये फ़र्क है कि अगर आप बाईफिशियल सोलर पैनल लगाते हैं ना तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी मोनोफिशियल से अच्छी है। जैसे आप ना ऊपर लगाते हैं ना, जैसे 8 फीट 10 फीट की हाइट पे, तो ये ना डबल गिलास वाला होता है, इसमें जो नीचे धूप जा रही होती है उसकी
उसके जो श्वाइन वगैरह जो ऊपर पड़ती है ना, तो इसके एम्पेयर ऑफ वोल्ट ज़्यादा होते, वैसे ज़्यादा पड़नी है, 4-5% का फ़र्क है। ये पीक टाइम पे ये शॉर्ट सर्किट पे देती है तकरीबन 13.5-14 एम्पेयर देती है, और वोल्ट देती है तकरीबन 52-52 वोल्ट देती है शॉर्ट सर्किट पे। और जब ये लोड पे आती है ना, तो ये तकरीबन 10-11 एम्पेयर पे आ जाता है, और वोल्ट इसके आ जाते हैं तकरीबन 44-45 वोल्ट दे रहा होता है पीक टाइम पे। सर वैसे मार्केट रेट चल रही है ना मोनोफिशल की, वो चल रही है 40 रुपये, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हो उनको ये सोलर पैनल पड़ जाएगा 38.50 में। 38.50 जी, 38.50 में, जी जी सर 38.50 में पड़ेगा। मार्केट अभी भी 39-40 रुपये पर वाट चल रही है, मोनोफिशल सिंगल ग्लास एन टाइप ए ग्रेड TR1 डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिनको मौजूद है मोनोफिशल जो अभी हमने आपको बताया ना, इसके मार्केट रेट चल रहे हैं 39-40 रुपये चल रहे हैं, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 38.50 पड़ेगा, 38.50 में, जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है, जो अभी आप पूछ भी रहे थे हमसे। ये एन टाइप बाइफिशियल है, डबल गिलास है, ए ग्रेड TR1 है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है, इसकी भी 15 साल वारंटी है, 30 साल लाइफ है, ये बाइफिशियल जो डबल गिलास कहलाता है। जिंको में भी जो मेरे पास मौजूद है ना, 585 वाट के सोलर पैनल मौजूद है जिंको में, जिसमें सिंगल गिलास भी और डबल गिलास, ये भी 585 वाट है जो अभी हमने आपको बताया, और ये भी 585 वाट है। ये एन टाइप बाइफिशियल है और वो एन टाइप मोनोफिशियल था, हाँ, ये डबल गिलास में, इसकी भी 15 साल वारंटी है, उसकी भी 15 साल वारंटी है, और दोनों की 30 साल लाइफ है। सर लॉन्जी मार्केट रेट जो चल रहे हैं ना, वो भी 39 रुपये चल रही है, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको हम लॉन्जी लगा के दे देंगे 37.50 में दे देंगे। सर लॉन्जी IMO6X है, एंटी डस्ट कहलाता है सोलर पैनल, उसकी भी 15 साल वारंटी है, 30 साल लाइफ है, ए ग्रेड TR1 है, मार्केट रेट उसके 39-40 चल रहे, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उन्हें हम देंगे 37.50 में देंगे। मार्केट रेट अभी भी 38-39-40 ही चल रही है अभी भी कराची की मार्केट, लेकिन हम 37.50 में देंगे। जे बाइफिशियल की अभी डिमांड नहीं आ रही, कैनेडियन टॉपकॉर्न की भी अभी नहीं आ रही, तो इसलिए अभी हम कस्टमर की जो डिमांड आ रही है हम वही सोलर पैनल चला रहे, बाकी अभी यही हमारे पास जो ब्रांड है ना, जिनको एन टाइप है, जिनको मोनोफिशियल है, और लॉन्जी IMO6X है। भाई लास्ट में अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर ये मेन सदर रीगल चौक कराची है, बेंगल हबीब के बिल्कुल सामने, शॉप का नाम है व्यू सन सोलर मार्ट, और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 03222750329।